रायगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज सोमवार से लगनी शुरू होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस एन केसरी ने बताया कि 4 सत्र में कोविड वैक्सीनेशन के टीकाकरण की शुरुआत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सेकेंड डोज की वैक्सीन जिले में पहुंच चुकी है। जिन्हें पहला कोरोना के टीके का पहला डोज लग चुका है, उन्हें द्वितीय चरण के टीके लगाए जाएंगे और साथ ही साथ प्रथम चरण का वैक्सीनेशन भी पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा। भारत में सबसे बड़ा कोविड 19 टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन भारत में कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट आ रही है। भारत की कोविड से लड़ाई अब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अब कोरोना के टीकाकरण का अभियान शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। 26 जनवरी को भारत के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अब जहां शनिवार को दूसरी डोज लगाने का काम भी शुरू हो गया है। जिन लोगों ने टीकाकरण के पहले दिन 16 जनवरी को टीका लगाया था, उन्हें शनिवार को दूसरी खुराक लगने लगेंगे। रायगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज सोमवार से लगनी शुरू होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस एन केसरी ने बताया कि 4 सत्र में कोविड वैक्सीनेशन के टीकाकरण की शुरुआत की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सेकेंड डोज की वैक्सीन जिले में पहुंच चुकी है। जिन्हें पहला कोरोना के टीके का पहला डोज लग चुका है, उन्हें द्वितीय चरण के टीके लगाए जाएंगे और साथ ही साथ प्रथम चरण का वैक्सीनेशन भी पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा। जिले में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी स्थानों की तरह रायगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हुई है। एक और बात यह है कि जिले में लोग अभी भी सावधानी बरत रहे हैं, जिसका फायदा होता दिख रहा है। फिलहाल जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सैकड़ों में सिमट के रह गई है और इससे होने वाले मौत के आंकड़े भी काफी गिरावट आई है। जिले में कोरोना के खिलाफ स्थिति में सुधार लगातार जारी है। हाँ, सेकेंड डोज जो पहले जो डोज लगवा चुके हैं उन लोग को सेकेंड डोज सोमवार से चालू होगा। वैसे तो डोज कल का डेट है, लेकिन संडे को हम लोग नहीं रखते, इसलिए मंडे से चालू करेंगे। तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 सत्र में लगेगा पहला, फिर उसी हिसाब से हम जैसे पहले शुरू में फर्स्ट डोज लगा था उसी हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। रूटीन का टीकाकरण कार्यक्रम भी चलता रहेगा साथ में। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।